हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू AS ट्यूटोरियल्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंडीशंस ऑफ आर इकोनॉमी व्हेन वी गेन आर इंडिपेंडेंस। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फ्यू ऑफ इट्स टॉपिक। द फर्स्ट इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कौन से टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। टॉपिक 1 दैट इज the condition of the Indian economy, or we can say that we studied how Britishers exploited our economy, features of Indian economy on the eve of independence, what were the characters, that means we can say what were the condition of our economy when we got the independence. We saw that हमारी इकोनॉमी बहुत backward थी when we got the independence, agricultural sector का productivity low था, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं था, देर वॉज नो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री। सो ये सब हमने फीचर्स में ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। देन आर थर्ड टॉपिक वॉज एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। वी स्टडीड द कैरेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस। उसमें क्या क्या पढ़ा था हमने, दैट प्रोडक्टिविटी बहुत कम था, देन इट वॉज वट वी कैन से कि कमर्शियल फार्मिंग में हमने कैश क्रॉप ज़्यादा ग्रो किए थे एंड ड्यू टू दैट रीज़न फार्मर्स जो है वो धीरे धीरे करके इंडेपनेस में जाते जा रहे थे, मतलब उनके ऊपर कर्जा जो था वो इंक्रीज होता जा रहा था। सो वी स्टडीड एग्रीकल्चरल सेक्टर, वट वर दी कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। देन उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। वी स्टडीड के कैसे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर विच वॉज ऑल्सो नोन एज हैंडीक्राफ्ट सेक्टर एंड हमारा हैंडीक्राफ्ट जो पूरे वर्ल्ड में फेमस था, हाउ ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉयटेड इट। हमने वो भी कंप्लीट किया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर, हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हमारा हैंडीक्राफ्ट उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया था। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। ओके, लेट्स स्टार्ट। India had acquired eminence in the area of foreign trade since ancient times, but the British rule in India brought an end to it. India was a well-known exporter of finished goods such as fine cotton, silk, textiles, etc., but the British converted India into a net exporter of raw material and an importer of finished goods. It was all done due to the discriminatory policy of trade and tariff pursued by the British government. See, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि Indian trade जो था, India का जो foreign trade था, it was on the top, we can say के top पर lie करता था। हम पूरे world को बहुत सारे finished products export करते थे and specially हमारे handicrafts export किए जाते थे, हमारे spices export किए जाते थे। So we were doing quite well in our exports. लेकिन after Britishers came, मतलब जैसे ही इंडिया में ब्रिटिश रूल स्टार्ट किया, we can see that, but the British rule in India brought an end to it. हमारा जो top position था trade में, after Britishers came here, उसके बाद ये situation जो था वो completely change हो गया। India, which was known as the exporter of finished goods, British rule के पहले India जो था, it was known as the exporter of finished goods, मतलब हमारे यहाँ पे goods बनते थे and हम बने हुए goods को बाहर export करते थे, that is cotton, silk, textiles, spices, ये सब चीज़ें हम export करते थे, but the Britishers converted India into a net exporter of raw material and importer of finished goods. मतलब Britishers ने क्या किया, when they came to our country, उन्होंने इंडिया की पोजीशन को चेंज कर दिया। इंडिया विच वाज वंस नोन एज द एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट, ऑफ फिनिश गुड्स। हम पहले क्या थे, वी यूज टू प्रोड्यूस द गुड्स इन आर ओन कंट्री और उसको वर्ल्ड को एक्सपोर्ट करते थे, हम वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री को कैप्चर करने के बाद में इंडिया को फिनिश गुड्स का इम्पोर्टर बना दिया एंड रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया। मतलब वी हैव ऑलरेडी सीन दिस कि ब्रिटिशर्स ने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज यूज़ की थी, मतलब जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्सेस लगते हैं वो उन्होंने मतलब डिफरेंट रखा था यहाँ पे रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पर उन्होंने टैक्स नहीं रखा था, सो दैट ब्रिटिशर्स कुड बाय द रॉ मटेरियल, एंड फिनिश गुड्स के एक्सपोर्ट पर उन लोगों ने टैक्स रखा था।
हिटिंग सो दैट इंडिया का जो एक्सपोर्ट फिनिश एक्सपोर्ट्स है वो कम हो जाए क्योंकि वो महंगा हो जाएगा. सो सी यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रिटिशर्स कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. क्या किया उन लोगों ने, हम लोगों से रॉ मटेरियल्स परचेस करते गए एंड खुद अपनी कंट्री में उनको प्रोड्यूस किया. दे यूज टू बाय द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड वो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके वो प्रोडक्शन अपनी कंट्री में करते थे एंड देन उसके बाद प्रोडक्ट जो था प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स जो थे उसको वापस लाकर कहाँ पे सेल करते थे, इन इंडिया. इट वाज ऑल ड्यू टू द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ परस्यूड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. हाउ डिड दे डू दिस, उन लोगों ने ट्रेड टैरिफ पॉलिसीज जो थी वो उस तरीके से बनाई थी कि हर एक वे में किसको फेवर हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेवरेबल हो. गेटिंग, उनकी सारी टैरिफ पॉलिसीज उस तरीके से बनाई गई थी जिसमें ब्रिटिशर्स शुड गेन मैक्सिमम प्रॉफिट और लॉसेस किसको सफ़र करने पड़े, इंडियन मर्चेंट्स को. स्टेट ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. लेट सी के इंडियन इकोनॉमी का क्या, द फॉरेन ट्रेड का क्या पोजिशन था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. द फर्स्ट इज नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. सबसे पहला क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर वी बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल. प्राइमरी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं. वी बिकेम द एक्सपोर्टर क्योंकि हमारी कंट्री में रिसोर्सेज बहुत थे. सो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे यूज टू बाई द रिसोर्सेज फ्रॉम आर कंट्री. जो रॉ मटेरियल्स होते थे वो हमारी कंट्री से उन रॉ मटेरियल्स को परचेस करते थे. दे यूज टू प्रोड्यूस प्रोडक्शन जो था वो अपनी कंट्री में करते थे एंड देन उसके बाद दे यूज टू सेल दोज फिनिश गुड्स इन आर कंट्री. मतलब हमारी खुद की कंट्री में वापस लाकर उनको सेल किया जाता था. दैट इज़ हमारा ही रॉ मटेरियल है, सेलिंग के लिए वापस मार्केट भी हमारा ही है. सो एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. Owing to colonial exploitation on the of the Indian economy, India became net exporter of raw material and primary products, just like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. On the other hand, it became the net importer of the finished products by the British industry. Our imports included cotton, silk and woolen cloth, besides several types of capital goods produced in England. Composition of export and import reflects utter backwardness of the Indian economy. See, क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, दे यूज टू बाई द रॉ मटीरियल फ्रॉम आर कंट्री. हमारी कंट्री से वो लोग रॉ मटीरियल्स खरीदते थे एंड वो रॉ मटीरियल्स का प्रोडक्शन वो अपनी कंट्री में करते थे एंड आफ्टर दैट वो लोग वापस लाकर प्रोडक्ट्स हमको ही सेल कर देते थे. नाउ ये जो कंपोजिशन है, मतलब कोई भी कंट्री अगर रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करती है एंड फिनिश गुड्स इंपोर्ट करती है तो वो क्या शो करता है, इट शोज़ द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी. क्या शो करता है, बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी. क्यों, बिकॉज किसी भी इकोनॉमी को अगर प्रोग्रेस करना है तो दे हैव टू सेल द फिनिश गुड्स मोर. है ना, हमें ज़्यादा क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए. बट इंडिया का कंडीशन अपोजिट था, इंडिया रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहा था एंड फिनिश गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा था. एंड ये सब किसकी वजह से था, किसकी पॉलिसीज की वजह से था, बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी. क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के पहले इंडिया में ऐसा कंडीशन नहीं था. द सेकेंड टॉपिक इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. ओके, नाउ वॉट इज मोनोपोली, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. मोनोपोली का मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर, या वी कैन से के सिंगल पर्सन जो सारे गुड्स को सेल कर रहा है इज़ द मोनोपोलिस्ट. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी का, या वी कैन से कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था उसका पूरा कंट्रोल सिंगल हैंडेडली कौन उसको कंट्रोल कर रहा था, ब्रिटिशर्स वेर कंट्रोलिंग इट. Due to the British rule, export and imports of the country came under the monopoly control of the British government. That means, Britishers के आने के पहले हम क्या करते थे, हम world की most of the countries के साथ trade करते थे. Getting, हमारे पास बहुत सारे buyers होते थे. We used to sell our products to many countries in the world. लेकिन Britishers के आने के बाद हमें ज़बरदस्ती अपने products किसको sell करने पड़ रहे थे, Britishers को, because हमारे पास उनके अलावा और कोई भी बायर नहीं था.
लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उन्होंने वॉर के थ्रू, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि वॉर के थ्रू बाकी जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे उन सबको हटा दिया था. नाउ वी ओनली हैड ब्रिटिशर्स, तो हमें ज़बरदस्ती लो प्राइजेस पर उनको प्रोडक्ट सेल करने पड़ते थे. इन दिस कॉन्टेक्स्ट टू ऑब्जर्वेशंस आर ऑफ क्रिटिकल सिग्निफिकेंस. मोर देन 50% ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड वॉज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ग्रेट ब्रिटेन. इंडिया का 50% से ज़्यादा ट्रेड किसके साथ होता था? ब्रिटिशर्स के साथ होता था. वाइल एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, इंडिया सप्लाइड इनपुट्स टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री, इम्पोर्ट्स ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री. नाउ यहाँ क्या दिया हुआ है कि इंडिया ब्रिटिशर्स को दो वे में हेल्प कर रहा था, मतलब हेल्प तो नहीं कर रहा था बट ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्सफुली हमसे हेल्प करवाई थी. कैसे? दैट दे यूज टू गेट द रॉ मटीरियल्स, रॉ मटीरियल्स हमसे ले जाते थे, उन रॉ मटीरियल्स को अपनी ही इंडस्ट्री में प्रोसेस करते थे, गेटिंग. तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा था. नाउ वो फिनिश प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भी वो उन्होंने क्या किया, हमारे ही मार्केट को यूज़ किया. मतलब दोनों साइड से किसको बेनिफिट मिला? ब्रिटिशर्स को. पहला बेनिफिट क्या मिला? चीप रॉ मटेरियल्स उनको इंडिया से मिल गए. दूसरा बेनिफिट उनको क्या मिला कि फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए उनको एक मार्केट भी मिल गया. तो दोनों वे से किसका बेनिफिट था? ब्रिटिशर्स का. एंड लॉसेस किसको सफर करने पड़ रहे थे? इंडियंस को. यहाँ पे सेम वही एक्सप्लेन किया है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, लार्जली हमसे रॉ मटेरियल्स लेकर जाते थे एंड अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को हमारी कंट्री में सेल करते थे. द नेक्स्ट इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश. सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम आर एक्सपोर्ट एक्सीड्स आर इम्पोर्ट्स. इट इम्प्लाइड अ सरप्लस ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड बट नोट दिस पॉइंट्स केयरफुली. सी एक पॉजिटिव पॉइंट था, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी किसके बेनिफिट के लिए था? ब्रिटिशर के बेनिफिट के लिए ही था. किसी भी कंट्री के लिए एक्सपोर्ट ज़्यादा करना प्रॉफिटेबल होता है, बट इंडिया के लिए कंडीशन ऐसा नहीं था. हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन हमारा एक्सपोर्ट किसका ज़्यादा हो रहा था? रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो रहा था. द सरप्लस वॉज ओइंग लार्जली टू द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स विच इज़ अ साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा था, लेकिन वो एक्सपोर्ट किसका था, कौन से प्रोडक्ट्स का था? इट वॉज द एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स. प्राइमरी गुड्स का मतलब क्या होता है? रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट ज़्यादा था, हम फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे. द ट्रेड सरप्लस वॉज नॉट यूज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इंस्टेड इट वॉज यूज टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एक्सपेंसिस ऑफ वॉर फॉट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. नाउ दो हमें सरप्लस मिल रहा था, दैट इज एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आ रहा था, लेकिन वो एक्स्ट्रा मनी को इंडिया के ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर रहे थे. अगर सिंपली इट इज़ सिंपल कि अगर आपको इस कंट्री से बेनिफिट मिल रहा है तो यू शुड यूज़ द मनी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री. लेकिन ब्रिटिशर्स ने वो सरप्लस मनी को हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया था. व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग आर कंट्री, वो क्या करते थे, हमारे सरप्लस मनी को यूज़ करके जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं उनको सैलरीज देते थे, ठीक है. एंड सेकेंडली वो क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट जितने भी वॉर फाइट करती थी वो सबका भी पैसा कहाँ से आता था? फ्रॉम द सरप्लस ऑफ आर ट्रेड. गेटिंग, मतलब बेनिफिट हमें मिलना चाहिए था, लेकिन वो बेनिफिट किसको मिल रहा था? ब्रिटिशर्स को. गेटिंग, हमें पैसा मिल रहा था तो दैट शुड बी यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर कंट्री. इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा यूज़ होना चाहिए था, बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उस पैसे को इंडिया के डेवलपमेंट में यूज़ करने की जगह पर दे यूज़ दैट मनी ताकि वो अपने ऑफिसर्स को सैलरीज पे कर सके. एंड सेकेंडली अगर कोई वॉर होता था एंड ब्रिटिश उसमें अगर इन्वॉल्व होते थे तो पैसा कहाँ से आता था? दे यूज टू टेक द सरप्लस मनी ऑफ द बैलेंस ऑफ ट्रेड. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वॉर एक्सपेंसेस लेड टू ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया. इट कंपाउंडेड द बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि वॉर एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते थे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हमें पे करने पड़ते थे. ड्यू टू दैट रीज़न हमारी कंट्री का बहुत सारा पैसा जो है वो ब्रिटिशर्स के पास जाता जा रहा था एंड दिस
रिजल्टेड इन टू द बैकवर्डनेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. इसकी वजह से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी को इतना पीछे आना पड़ा. द इकोनॉमी जिसको वंस कहा जाता था कि वो सोने की चिड़िया है एंड ऑल, लेकिन बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजंस इंडियन इकोनॉमी बहुत पीछे आ चुकी थी. सो दिस वॉज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. पहली बात, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि मतलब व्हाट वाज द फर्स्ट सिचुएशन, दैट इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. दूसरा क्या था, दैट ब्रिटिशर्स के पास इंडिया के ट्रेड का मोनोपोली राइट था, मतलब वी हैड नो वन एल्स टू सप्लाई. हमारे पास ज़्यादा कोई दूसरा सप्लाई करने के लिए नहीं था, हमें ज़बरदस्ती किसे सप्लाई करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स को. वॉट एवर रेट दे यूज टू पे, हमें उस रेट पर उन्हें सप्लाई करना पड़ता था. एंड तीसरा क्या दिया हुआ है कि दो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे, वी गॉट द सरप्लस ट्रेड बैलेंस, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्स्ट्रा मनी हमारे पास आता था, जो सरप्लस हमारा बचता था, उसे इंडियन डेवलपमेंट के लिए यूज़ नहीं किया गया था. उसे किस लिए यूज़ किया गया था, ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए एंड वॉर एक्सपेंसेस के लिए. तो दिस शोज़ के इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था वो भी अंडर ब्रिटिश रूल पूरी तरह से एक्सप्लॉइट हो चुका था. द नेक्स्ट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. नाउ विल स्टडी के सिटीजन्स का क्या कंडीशन था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल. डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिटेड ऑल फीचर्स ऑफ द स्टेग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी. हियर वी फोकस ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स. सी, जितने भी फीचर्स अगर आप पढ़ते हो तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी जो थी वो रुकी हुई थी. रुकी हुई इन द सेंस ग्रोथ नहीं था, एंड प्लस बैकवर्ड इकोनॉमीज में हम काउंट होते थे. जितने भी बैकवर्ड एंड स्टेग्नेंट इकोनॉमी के फीचर्स होते हैं वो सब फीचर्स इंडिया में हमको देखने के लिए मिल रहे थे. द फर्स्ट वन वॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. Both birth rate and death rate were very high, nearly 48 and 40 per thousand respectively. High birth rate and death rate suggest a state of massive poverty in our country. हमारी कंट्री में birth rate भी बहुत ज़्यादा था and साथ साथ में death rate भी बहुत ज़्यादा था. And high birth rate और high death rate ये क्या show करते हैं कि इंडिया के अंदर पॉवर्टी लार्ज स्केल पर एग्जिस्ट करती थी. इंडिया में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी. सेकंड है इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, IMR. इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट का मतलब क्या होता है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग वन ईयर, मतलब एक साल कंप्लीट करने से पहले. बिकॉज वी नो के इन्फेंट जो होता है, न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, उसको ज़्यादा केयर रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए होती है. एंड अगर वो नहीं मिलती तो उसकी बॉडी, उसका इम्यून थोड़ा वीक होता है. न्यूली बॉर्न है तो एडजस्ट करने में इट टेक टाइम. तो अगर आपके कंट्री में प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ है तो वो सारी मेडिसिन उस बच्चे को मिलेगी एंड ही विल बी एबल टू सर्वाइव. लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है तो IMR, दैट इज़ इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, ज़्यादा होगा. तो लेट्स सी इंडिया में कितना था इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, दैट इज़ death rate of children below the age of 1 year was very high. It was about 218 per thousand, while at present it is 34 per thousand. आप देख सकते हो कि IMR इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम पर बहुत ज़्यादा था. एवरी थाउजेंड में से 218 किड्स यूज टू डाई बिफोर कंप्लीटिंग 1 year ऑफ एज. एंड एट प्रेजेंट, मतलब ये बुक दैट इज़ 2016-17 के टाइम पर, इट वॉज 34. मतलब जो पहले डेथ रेट, जो पहले एवरी थाउजेंड में 218 लोगों की डेथ होती थी, आज इट हैज़ रिड्यूस टू 34. तो इट शोज़ के मेडिकल फील्ड में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है जिसकी वजह से ये कम हुए हैं. हाई इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट इज़ द साइन ऑफ पुअर हेल्थ केयर एसोसिएटेड विथ एक्सट्रीम पॉवर्टी. हाई IMR, दैट इज़ एवरी थाउजेंड पर 218 किड्स यूज टू डाई, ये क्या शो करता है, दैट इंडिया के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी बहुत पुअर थी एंड उसके साथ साथ में पॉवर्टी भी बहुत लार्जली एक्सटेंडेड थी हमारी कंट्री के अंदर. लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है, एवरेज लाइफ ऑफ द पर्सन. यानी अगर यू लिव इन अ कंट्री तो
क्या किया जाता है, सबकी लाइफ, सबकी टोटल एज को कैलकुलेट करते हैं हम एंड डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे हमें एक एवरेज लाइफ मिलती है, एवरेज एज मिलता है. ये क्या शो करता है कि ऑन एवरेज इफ़ अ पर्सन इज़ बॉर्न इन दिस कंट्री तो वो कितने ईयर्स तक मतलब ज़िंदा रहेगा. ओके, समटाइम द लाइफ इज़ मोर देन द एवरेज, मतलब हो सकता है कि एवरेज कम हो बट एक पर्सन ज़्यादा जी रहा है, एंड समटाइम इट इज़ पॉसिबल कि वो कम भी हो. सो ये शो करता है कि आपकी कंट्री में मेडिकल फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी है. आई थिंक अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो इवन छोटी छोटी बीमारियाँ जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स एंड टीबी, ऐसी बीमारियों से भी लोग मर जाते हैं. एंड अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी है तो ये सब बीमारियाँ क्योर हो सकती हैं. इफ ये बीमारियाँ क्योर होती है तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. लाइफ एक्सपेक्टेंसी दैट इज़ एवरेज लाइफ ऑफ द पर्सन वॉज एज लो एज 32 ईयर्स. कितना था? सिर्फ 32 ईयर्स. अच्छा, दैट डजेंट मीन्स के 32 आते ही सब मर जाते थे. देर वेर पीपल जो 100 साल तक भी जीते थे, लेकिन ये एवरेज शो किया है हमें. करेक्ट, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो भी एवरेज लाइफ होगा लोग उससे ज़्यादा भी जीते हैं, उससे कम भी जीते हैं. गेटिंग? यहाँ पे 32 ईयर्स हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया है. दिस शोज कि ये एवरेज लाइफ था. इसका मतलब ये नहीं है कि सब 32 पर मर गए. इसका मतलब ये है कि दिस इज़ द एवरेज लाइफ ऑफ द कंट्री, एंड इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इससे ज़्यादा भी जिए, मोर देन 100 ईयर्स भी जिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो 10, 11, 12, 15 इस एज पर मर गए बिकॉज उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट्स नहीं मिल पाए थे. वाइल प्रेजेंटली इट इज़ 68. अभी कितना है? इट इज़ 68 ईयर्स. दिस शोज के इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ पर, न्यूट्रिशंस पर बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है. लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ अवेयरनेस एज वेल एज लैक ऑफ मीन्स टू अवेल देम. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या शो करता है कि कंट्री में प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं है, देन उसके बाद प्रॉपर फूड नहीं है हमारे पास, एंड अगर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है भी तो लोगों को उन फैसिलिटीज़ के बारे में नहीं पता है, और अगर पता है तो दे डोंट हैव दैट मच मनी कि वो लोग वो ट्रीटमेंट ले सके. सो ये कब का था? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज जस्ट 32 ईयर्स, विच शोज़ के कंट्री में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थे. ओके, यहाँ पे वापस सेम जो हमने ऊपर पढ़ा वही 3 पॉइंट्स को रिफ्लेक्ट किया है. देन आता है लिटरेसी रेट. इवन द लिटरेसी रेट इन आर कंट्री वॉज वेरी लो. लिटरेसी रेट रिफरिंग टू दोज हु कैन रीड एंड राइट वॉज नियरली 16%. हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट वॉज ओनली 16%, रिफ्लेक्टिंग सोशल बैकवर्डनेस एज रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. फीमेल लिटरेसी रेट वॉज स्टिल वर्स, ओनली 7%. इट इंडिकेट्स जेंडर बायस इन द सोसाइटी. हमारी कंट्री का लिटरेसी रेट वॉज ओनली 16% एंड फीमेल लिटरेसी रेट सिर्फ 7% था. मतलब यहाँ पे ये भी शो किया गया है कि कंट्री में एजुकेशन नहीं था, लिटरेसी रेट नहीं था, कंट्री बहुत बैकवर्ड थी. एंड उसके साथ साथ में ये भी शो किया गया है कि कंट्री के अंदर जेंडर बायस भी था, दैट इज मेल वेयर गिवन मोर अपॉर्चुनिटीज एज कम्पेयर टू द फीमेल्स. ओके, तो ये हमारी कंट्री के डेमोग्राफिक प्रोफाइल था. डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब जो सिटीजन्स है उनकी कंडीशन के बारे में हमें बताया है. बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों ज़्यादा थे, इन्फेंट मोर्टैलिटी भी ज़्यादा था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कम था, एंड लिटरेसी रेट वॉज ऑल्सो लो. नेक्स्ट आता है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. ओके, लेट्स, अभी यहाँ पे हमें पॉपुलेशन के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि कौन से ईयर में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ. सी, इसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है. पहला तो 1921, विच इज़ कॉल्ड एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. पूरा डेटा एग्जैक्टली लर्न नहीं किया तो भी चलेगा, कुछ चीज़ें आपको सिर्फ याद रखनी है. सो लेट्स स्टार्ट. फॉलोइंग आर सम नोटेबल पॉइंट्स रिलेटिंग टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया. सो यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है? इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921, इस ईयर को याद रखो, 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. 1921 को क्या बोला जाता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. क्यों बोला जाता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बिकॉज दिस वॉज द ओनली ईयर जब पॉपुलेशन नेगेटिव ग्रो हुआ था. नेगेटिव ग्रो होने का मतलब पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम हुआ था.
गेटिंग परसेंटेज की बात नहीं कर रही मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर, एक्चुअल नंबर गेटिंग. दिस वॉज द ओनली ईयर जब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की जगह पर डिक्रीज हुआ था. सी, प्रायोर टू 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वॉज नेवर कंसिस्टेंट. साइज ऑफ पॉपुलेशन केप्ट फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग इन वन सेंसिस एंड दी एंड डिक्रीजिंग इन दी अदर. आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज. ओके, यहाँ पे एक और दूसरा भी रीज़न दिया हुआ है दैट 1921 में दो चीज़ें थी. पहला, इट वॉज़ द फर्स्ट ईयर जहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ था, एंड सेकेंडली इट इज़ इम्पॉर्टेंट ईयर बिकॉज इसके बाद पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुआ. गेटिंग, क्या बोला है यहाँ पे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स. पहला रीज़न क्या है दैट 1921 वॉज द ईयर जब पॉपुलेशन का ग्रोथ वॉज नेगेटिव, मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज होने की जगह पर इट वॉज डिक्रीज. ठीक है, एंड सेकेंडली एक और चीज़ याद रखनी है कि ग्रोथ रेट जो था, ग्रोथ रेट पहले इंक्रीज डिक्रीज होता था, लेकिन आफ्टर 1921 ग्रोथ रेट दैट इज परसेंटेज कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ, परसेंटेज केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. समझ आया? 1921 सिग्निफिकेंट ईयर क्यों है, इंपॉर्टेंट ईयर क्यों है, बिकॉज 1921 वॉज द ईयर जब नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री वेर रिड्यूस, डिक्लाइन हुए थे, कम हुए थे. एंड वन मोर रीजन इज कि 1921 के पहले जो ग्रोथ परसेंटेज था वो कम ज़्यादा होता रहता था. दैट इज़ कोई ईयर में 5% पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है तो किसी ईयर में 2% इंक्रीज हुआ है, समथिंग कुछ ऐसा रहता था. लेकिन आफ्टर 1921 देर वॉज नेवर डिक्रीज इन पॉपुलेशन, कभी भी डिक्रीज नहीं हुआ था. एवरी टाइम द पॉपुलेशन वॉज इंक्रीजिंग सिंस बिफोर 1921 इट हैपेंड कि कभी पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ कभी डिक्रीज हुआ, लेकिन आफ्टर 1921 पॉपुलेशन वॉज कंसिस्टेंटली राइजिंग. ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है. सी, आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड अ कंसिस्टेंट राइज, इट वॉज नेवर रिड्यूस्ड. थस द सेंसिस ऑफ 1901 शोड अ डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ 0.04 करोड़ इन द टोटल पॉपुलेशन. इसमें डिक्लाइन हुआ. 1911 में देर वॉज राइज इन द पॉपुलेशन. 1921 में अगेन इट वॉज द डिक्लाइन इन पॉपुलेशन. लेकिन फ्रॉम 1921 ऑनवर्ड्स टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया नेवर डिक्लाइंड, कभी भी इसके बाद पॉपुलेशन कम नहीं हुआ. इट शोज अ कंसिस्टेंट राइज. द सेंसिस ऑफ 1931 रिकॉर्डेड अ राइज ऑफ 2.76 करोड़, देन 41 में 3.96 करोड़, 51 में इट वॉज 4.24 करोड़. मतलब वी कैन सी के बिफोर 1921 पॉपुलेशन डिक्रीज भी हो रहा था. सी, इट वॉज डिक्रीज इन 1901, फिर इट वॉज इंक्रीज भी हो रहा था, दैट इज इंक्रीज बाय 1.38 करोड़. 1921 में इट वॉज अगेन डिक्रीज्ड, वापस 0.07 करोड़ पॉपुलेशन कम हुआ था. लेकिन आफ्टर 1921 पॉपुलेशन में कभी भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ. दैट इज पॉपुलेशन एवरी ईयर, एवरी 10 ईयर के सेंसिस में इंक्रीज हुआ है. फर्स्ट 2.76 करोड़ से इंक्रीज हुआ, देन 3.96 करोड़, देन 4.24 करोड़. सो इसीलिए 1921 इज कंसिडर एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज दिस वॉज द ईयर जिसके बाद पॉपुलेशन कॉन्स्टेंटली बढ़ा है, कम नहीं हुआ है कभी भी. अ कंसिस्टेंटली राइजिंग पॉपुलेशन लेड टू एक्सेसिव बर्डन ऑन द मेंटेनेंस ऑफ मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट. It is an expenditure which a country has to incur to maintain the existing population. See, क्या होता है, जब भी population बढ़ता है तो country के ऊपर responsibilities increase हो जाती है. getting उनका food, उनका shelter, ये सब की responsibilities country के ऊपर increase हो जाती है. 1921 के पहले it was fluctuating, कभी population बढ़ रहा है कभी population कम हो रहा है, the situation was like that. लेकिन 1921 के बाद the situation was completely different, population continuously बढ़ रहा था and continue increase in population की वजह से country के ऊपर एक burden बढ़ता जा रहा था. That is every year जब population increase हो रहा था तो country को
फूड के लिए मनी इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, और रेजिडेंशियल एरिया के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा था, एंड मेनी अदर थिंग्स वेर ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑन मेनी अदर थिंग वॉज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग. वेन द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट इज हाई, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट रिमेन्स लो. अब क्या होता है, अगर आपके यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा. इट इज़ अगर ज़्यादा लोग हैं तो मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा होगा, उनको फूड प्रोवाइड करना, क्लोथिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. फिर बाद में आपके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए, दूसरे इन्वेस्टमेंट मतलब अगर आपको ग्रोथ करना है तो आपके पास ग्रोथ करने के लिए पैसे नहीं बचेंगे. आई थिंक अगर पॉपुलेशन कंट्री का ज़्यादा है तो उनको फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे. अगर गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों में ज़्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसे कम बचेंगे. हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ, सॉरी, हाई मेंटेनेंस एंड लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इज अनदर बैकवर्ड फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पॉइंटिंग टूवर्ड द बैकवर्डनेस एंड स्टेग्नेशन. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पॉपुलेशन वॉज ऑल्सो हाई, तो हमें मेंटेनेंस पर, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर पर पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे, एंड वी डिंट हैड इनफ मनी कि हम लोग बाकी के इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे खर्च कर पाए. सो ये एक और फीचर था ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट आता है, हाउएवर द अंडरलाइंग फैक्ट इज दैट टिल 1951 द राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन वॉज नेवर अलार्मिंग, इट रेंज बिटवीन माइल्ड टू मॉडेस्ट. क्या दिया हुआ है, टिल 1951 इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ जो था वो कभी भी एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन नहीं था, दैट इज इट वॉज नेवर अलार्मिंग के प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं. लेकिन फ्रॉम 1951 जो पॉपुलेशन ग्रोथ स्टार्ट हुआ, इट बिकेम अ चैलेंज फॉर द कंट्री. गेटिंग इतने लोगों को फूड, क्लोथिंग, शेल्टर प्रोवाइड करना, एंड ये सब एक चैलेंज की तरह कंट्री के सामने आया, एंड धीरे धीरे करके कंट्री स्टार्टेड फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. कंट्री कौन सी प्रॉब्लम फेस करने लग गई, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दैट इज पॉपुलेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, बर्थ रेट अभी भी हाई है एंड डेथ रेट बहुत लो है. सो कंट्री को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे. ओके, सो दिस वॉज दी कंडीशन, वी कैन से कि डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमारी कंट्री का ये सब था, कि वॉट ऑल थिंग्स वेयर देयर, बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट वॉज ऑल्सो लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत कम था, लिटरेसी रेट कम था, देन ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज दिस वॉज द ईयर जिसके बाद कभी भी पॉपुलेशन नेगेटिव नहीं हुआ, बिफोर दैट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हुआ था, लेकिन दिस वॉज द ओनली, मतलब दिस वॉज द ईयर जिसके बाद कभी भी पॉपुलेशन नेगेटिव नहीं हुआ, इट वॉज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्रोथ कभी भी कम नहीं हुई, पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं हुआ, इट वॉज ऑलवेज इंक्रीजिंग, एंड ये इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वॉज कंसिडर्ड एज द बर्डन ऑन द कंट्री. ठीक है, 1951 तक पॉपुलेशन अलार्मिंग नहीं था, बट आफ्टर 1951 कंट्री को पॉपुलेशन की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे थे. ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. अभी यहाँ पे हमें क्या बताया है कि इंडिया के अंदर 1951, दैट इज सेंसिस 51 में हुआ था, दो इंडिपेंडेंस वी गॉट इन 47, बट सेंसिस 51 में हुआ था, इसलिए ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लिए हमने कौन से ईयर का डेटा लिया हुआ है, 51 का डेटा लिया हुआ है. ओके, लेट्स सी क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इन द इकोनॉमी. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर मतलब कितने लोग, कितने परसेंट लोग कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी. प्राइमरी एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं उसे, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड. सेकेंडरी इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. टेबल टू शोज द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ
At the time of independence, the data of 1951, because reliable statistics for the year 1947 are not available. As I told you कि दो इंडिपेंडेंस हमें 47 में मिला, बट हम डेटा 51 का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज हमारे पास 47 का प्रॉपर डेटा प्रेजेंट नहीं है. सो लेट्स सी. ओके, प्राइमरी सेक्टर में इंडिया का 72.7% पॉपुलेशन एंगेज था. कितना परसेंट? 72.7%. मतलब वी कैन से कि ऑलमोस्ट 3/4 पॉपुलेशन जो था वो कहाँ पर एंगेज था? प्राइमरी सेक्टर में एंगेज था. कहाँ पर एंगेज था? प्राइमरी सेक्टर में. जिसमें प्योरली एग्रीकल्चरल सेक्टर में कितने परसेंट लोग थे? 50% लोग थे. कितने परसेंट लोग थे? 50% लोग थे इन दी एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर कितने थे? 19.7%. एग्रीकल्चरल लेबरर कितने थे? 19.7%. फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और प्लांटेशन में कितने लोग एंगेज थे? 2.4% लोग. एंड माइनिंग में कितने परसेंट लोग एंगेज थे? 0.6. सो प्राइमरी सेक्टर में टोटल 72.7% लोग थे, जिसमें यू कैन सी यहाँ पे पाई चार्ट भी हमें दिया हुआ है. जो ग्रीन पार्ट है ये पूरा किसके लिए था? फॉर द प्राइमरी सेक्टर. देन आता है सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% लोग एंगेज थे. कितने? 10.1. जिसमें स्मॉल एंड लार्ज इंडस्ट्रीज में देर वर 9.0, दैट इज 9% पीपल वर एंगेज. एंड बिल्डिंग, इसमें कितने लोग थे? कंस्ट्रक्शन में 1.1%. मतलब वी कैन से कि जो लीस्ट पॉपुलेशन था वो कौन से सेक्टर में था? सेकेंडरी सेक्टर में लीस्ट पॉपुलेशन था. देन आता है टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर में 17.2% लोग एंगेज थे. कितने? 17.2. ट्रेड एंड कॉमर्स 5.2%. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन 1.4. एंड अदर सर्विसेज में 10.6. मतलब अगर हम इंडिपेंडेंस की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन द प्राइमरी सेक्टर. देन उसके बाद आता है टर्शरी सेक्टर एंड थर्ड आता है सर्विस सेक्टर. भी यहाँ पे फिर से वही सेम जो ऊपर मैंने रीड किया है उसको एक्सप्लेन किया हुआ है. एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 72.7% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन वॉज एंगेज इन द एग्रीकल्चर. कितना? 72.7, ऑलमोस्ट 3/4. परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द एग्रीकल्चर इज मच लेस इन द एडवांस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. फॉर इंस्टेंस इंग्लैंड एंड अमेरिका 2%, जापान 12%, जर्मनी 4% ऑन द ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर पर 72.7% पॉपुलेशन एंगेज्ड है. और अगर हम इसको वर्ल्ड की डेवलप कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बाकी की कंट्रीज़ में, दैट इज़ यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है हमें इंग्लैंड और अमेरिका. इंग्लैंड एंड अमेरिका में सिर्फ 2% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. जापान में सिर्फ 12% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. एंड जर्मनी में सिर्फ 4%. तो दिस शोज़ के इंडिया बहुत बैकवर्ड था. दिस establishes बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये क्या शो कर रहा है? कि इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर बहुत बैकवर्ड थी. इंडस्ट्रियल as an insignificant source of occupation, only 9% people were working in the industrial sector. Of the working population in India was engaged in manufacturing industries and mining. As against, मतलब ये वर्ल्ड का डेटा अभी दिया हुआ है. इंडिया में सिर्फ कितने परसेंट लोग एंगेज हैं? 9% लोग किस में? इंडस्ट्री में. अगर हम वर्ल्ड के साथ देखें तो USA 32%, देन इंग्लैंड इज 42%, जापान में 39%. तो ये क्या शो कर रहा है? कि इंडियन इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज़्यादा वर्क नहीं कर रही. इंडिया का पॉपुलेशन, सिर्फ 9% पॉपुलेशन इज़ वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज. एंड वर्ल्ड के साथ अगर हम कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं. USA में 32% पीपल ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वर्किंग इन इंडस्ट्री. देन इंग्लैंड में 42, जापान में इट इज़ 39. दिस शोज के इंडियन इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के टाइम पर कितनी बैकवर्ड थी. ये सिर्फ प्रूफ्स दिए हुए हैं हमें. ओके,
unbalanced growth. The table shows unbalanced growth of the Indian economy. Growth is said to be balanced when all the sectors of economy are equally developed. However, in case of India, secondary and tertiary sector were in their infant stage of growth. Hence, the conclusion is that Indian economy at the time of independence was lopsided and therefore backward. क्या शो किया हुआ है थर्ड पॉइंट में, क्या लिखा है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ. ये क्या शो कर रहा है? बैलेंस ग्रोथ कब होता है? जब तीन सेक्टर्स है और तीनों सेक्टर्स इक्वली डेवलप्ड है, दैट शोज द बैलेंस्ड ग्रोथ. लेकिन इंडिया में यू कैन सी कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ था. एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा पॉपुलेशन था एंड द सेकेंडरी एंड द टर्शरी सेक्टर ये अभी अपने इन्फेंट स्टेज पर थे, दैट इज इनमें ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था. And this again proves के India independence के time पर बहुत backward था. So यहाँ पे we have completed with the occupational structure and chapter का हमारा second last topic आता है infrastructure on the eve of independence. I told you के infrastructure में भी कुछ ज़्यादा खास growth नहीं था. Britishers ने दो growth किया था लेकिन सिर्फ उन्हीं areas में जिनसे उनको benefit मिले. Infrastructure refers to the element of economic change that like means of transport, communication, banking, power or energy. The elements of social change like education, health and housing facilities which serves as the foundation for growth and development of the country. Infrastructure mein do infrastructures aate hain, pehla economic and dusra social, correct? Kitne infrastructures aate hain? Do infrastructure aate hain. The first one is इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, पावर, दैट इज एनर्जी. एंड सोशल में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग. ये दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस लेड द फाउंडेशन ऑफ द ग्रोथ इन द कंट्री. जितना स्ट्रॉन्ग ये इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उतना ही कंट्री बेटर डेवलप होगी. लेट्स सी इंडिया का क्या कंडीशन था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. द स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. रेलवेज वॉज डेवलप्ड टू ट्रांसपोर्ट फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया विद अ व्यू ऑफ वाइडनिंग द साइज ऑफ मार्केट. इट एम्ड एट वाइडनिंग द साइज ऑफ मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया. I told you railways were started by the British, ठीक है. लेकिन railways Britishers ने क्यों start किए थे? So that वो अपने finished products को India के interior areas में sell कर सके. That is railways develop करने के पीछे Britishers का क्या aim था? That जितने area में transport facility बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा area उनको अपने market के लिए मिलेगा. So though they developed the Indian railways, लेकिन वो इंडियन रेलवेज भी किसके लिए डेवलप किए गए थे? उनके अपने बेनिफिट के लिए डेवलप किए गए थे. पोर्ट्स वेर डेवलप टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन. ओके, पोर्ट्स भी डेवलप किए थे उन्होंने, लेकिन पोर्ट्स डेवलप करने के पीछे भी क्या उनका ही फायदा था? क्या फायदा था? दैट जितने बेटर पोर्ट्स डेवलप होंगे, जितना प्रॉपर शिपिंग फैसिलिटीज इंक्रीज होगा, उतना ही वो लोग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स भी कर पाएंगे. पोस्टेज एंड टेलीग्राफ्स वे डेवलप टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. नाउ इंटरनेट एंड ऑल तब नहीं था, सो इसीलिए कम्युनिकेशन के लिए उन्होंने पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस को इम्प्रूव किया ताकि वो एक दूसरे के साथ टाइमली कॉन्टैक्ट कर पाए. मतलब अगर पोस्ट भी डेवलप हुआ तो किसके लिए डेवलप हुआ? फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटिशर्स. Roads were developed to facilitate transport of raw material from different parts of the country to the ports. Now, अगर roads भी develop हुए, हमने पहले पढ़ा था कि कितना कुछ area में उन लोगों ने roads भी develop किए थे. तो roads develop करने के पीछे भी क्या reason था? कि village से raw material ports तक transfer हो पाए. getting अगर एक village में raw material बनता है तो उसके आसपास तो port नहीं होगा, obviously वो raw material को पोर्ट तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा हमें. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आइदर वी रिक्वायर्ड दी रेलवे और वी रिक्वायर्ड दी रोडवेज, करेक्ट. तो रेलवे भी उन्होंने उसी रीजन से डेवलप किया एंड रोडवे भी उसी रीजन से डेवलप हुआ.
Briefly, some modest infrastructural changes in the economy during the British Raj is not denied, but the motive behind this change was not the growth and development of Indian economy. Rather, it was the growth and development of the British economy through colonial exploitation of the Indian economy. Consequently, Indian economy remained to be backward. See, we are not denying that Britishers ne infrastructure ka growth nahi kiya, kuch positive cheeze nahi ki, they did it. Lekin कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें करने के पीछे उनका रीज़न क्या था, दैट उनको अपनी कंट्री को डेवलप करना है. आई थिंक उनको अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए थे. सो रॉ मटेरियल्स को वहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्हें पोर्ट्स डेवलप करना पड़ा, रोड्स डेवलप करना पड़ा. सो दो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन किसके लिए हुआ था? फॉर द ब्रिटिशर्स. यहाँ पे हमें इम्पैक्ट ऑफ रेलवेज इन इंडिया दिया हुआ है. लेट्स स्टडी के क्या है यहाँ पे. रेलवे फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एज गुड्स कुड बी देन बी मूव टू द डिस्टेंट प्लेसेस. दिस इम्प्लाइड अ मॉडेस्ट चेंज इन द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. दे स्टार्टेड व्यूइंग फार्मिंग एज अ बिजनेस रेदर देन म्योरली एज अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस. सी, रेलवेज की वजह से क्या हुआ, एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हुआ. मतलब फार्मर्स वेर नाउ एबल टू थिंक कि वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी जगह पर भी सेल कर सकते हैं. सो देर वेर सर्टन पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रेलवे एंड उसके साथ साथ में कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी थे. सो हमें यहाँ पे रेलवे के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है. रेलवेज, पहले विल स्टडी अबाउट द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. रेलवे फैसिलिटेटेड एक्सपांशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट. अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ द कंट्री शोड अ सिग्निफिकेंट राइज. पहला क्या बेनिफिट हुआ, बिकॉज ऑफ रेलवेज, रेलवेज की वजह से मार्केट एक्सपांड हुआ एंड नाउ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स दोनों ही कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रहा था. फिर सेकेंड आता है, द जो इंट्रो में दिया है वही हमारा सेकेंड पॉइंट है, फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. सो नाउ बिकॉज ऑफ रेलवेज फार्मर्स वेर थिंकिंग ऑफ दी अदर मार्केट और धीरे धीरे करके उन्होंने सब्सिस्टेंस फार्मिंग को छोड़कर, मतलब जब वो खाली अपने फैमिली के नीड्स के लिए गुड्स प्रोड्यूस करते थे उसको छोड़कर धीरे धीरे दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर दी मार्केट. Railways enable people to break the barriers of distance and undertake journey to far off places. This promoted cultural affinity among the countrymen. Railways की वजह से जो distance barriers थे वो ख़त्म हुए. Now it was easier to transport, मतलब it was easier कि हम एक place से दूसरी place तक जा सके and due to that reason country के अंदर cultural exchanges हुए. पहले हम दूसरी जगह नहीं जा पाते थे तो हमें उनके कल्चर के बारे में नहीं पता चलता था, बट बिकॉज ऑफ रेलवेज इट वॉज ईजियर कि हम ट्रैवल कर सके, उनके कल्चर के बारे में नई चीज़ें समझ सके एंड धीरे धीरे करके कल्चरल एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए. फास्टर मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स अक्रॉस द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ओइंग टू रेलवेज हेल्प्ड कंट्रोल टू द स्प्रेड ऑफ फेमाइंस. फूड सप्लाईज कुड रीच द पीपल बिफोर दे वर ड्रिवन टू स्टार्वेशन. नाउ बिकॉज ऑफ रेलवे एक और बेनिफिट था कि अगर किसी एरिया में क्रॉप फेलियर्स हुए तो ईजीली अगर देर आर सपोज टू एरियाज, एक एरिया है जहाँ पर क्रॉप फेलियर है एंड दूसरा एरिया है जहाँ पर वी हैव एबेंडेंट प्रोडक्शन, तो आप ईजीली क्या कर सकते हैं, जिस एरिया में प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ है वहाँ से जिस एरिया में प्रोडक्शन फेल हुआ है, क्रॉप फेलियर है, वहाँ पर फूड सप्लाई कर सकते हैं. इससे बेनिफिट क्या होगा, दैट जो लोग भूख से मर रहे हैं, मतलब पीपल हु आर नॉट हैविंग फूड, उनको टाइम पर फूड मिल जाएगा. सो दिस वेर दी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ रेलवेज. अभी दूसरा आता है नेगेटिव इम्पैक्ट. रेलवे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बिकॉज प्राइमरी गुड्स कुड देन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फील्ड्स एंड फार्म्स टू द पोर्ट्स ऑफ द फॉर द पर्पज ऑफ एक्सपोर्ट एंड ब्रिटिश इकोनॉमी. नाउ रेलवेज की वजह से कुछ बेनिफिट्स तो थे बट उसके साथ साथ में देर वेर लॉसेस ऑल्सो. लॉसेस क्या थे कि पहले जब रेलवे नहीं था तो ब्रिटिशर्स दो हमारे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करते थे लेकिन इतना स्पीड में नहीं कर पाते थे. रेलवेज बनने के बाद अब बहुत क्विकली हमारे रॉ मटेरियल को ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जा रहा था. इवन फिनिश गुड्स भी ईजिली कंट्री के अंदर स्प्रेड हो पा रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट रीज़न
उनका मार्केट जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा था. तो दिस वॉज बेनिफिशियल फॉर ब्रिटिश पॉइंट, फ्रॉम ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए ये फ़ायदेमंद था, बट हमारे लिए ये थोड़ा नुकसान था, लॉसेस था. थस द स्प्रेड ऑफ रेलवे लीड टू द स्प्रेड ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर द ब्रिटिश प्रोडक्ट. नाउ ब्रिटिशर्स अपने प्रोडक्ट्स को हर जगह पर सेल कर पा रहे थे एंड ड्यू टू दैट रीज़न धीरे धीरे करके हमारा मार्केट, दैट इज़ इंडियन मार्केट जो था, वो किसके अंडर चला गया, ब्रिटिश रूल के अंडर चला गया. सो दिस वॉज द रेल इम्पैक्ट ऑफ रेलवे. एंड द लास्ट टॉपिक इज़, सी अब तक हमने सारे नेगेटिव पॉइंट्स पढ़े कि ब्रिटिशर्स के आने की वजह से क्या क्या लॉसेस हमारी कंट्री को सफ़र करने पड़े, हमने वो सब पढ़ा. लेकिन वी ऑल नो कि अगर नेगेटिव पॉइंट्स तो थे, नेगेटिव पॉइंट्स थे तो कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिविटी भी होगी. सो यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी कि वॉट वेयर द पॉजिटिव पॉइंट्स ब्रिटिशर्स के आने का, क्या इंडियन सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ वो हम पढ़ेंगे. सी क्वेश्चन ही क्या पूछा है, Was there any positive impact of British rule in India? So let's see. Certainly not. If the impact of British rule is studied with reference to motive of the British government in India, the motive was clear and focused. It was colonial exploitation of Indian economy. However, the means to achieve the end yield some positive side effects. सी क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि अगर हम ब्रिटिशर्स के मोटिव के थ्रू देखेंगे तो ब्रिटिशर्स का मोटिव कभी भी इंडियन इकोनॉमी को बेनिफिट्स देना नहीं था. उनका मोटिव हमेशा क्या था कि दे हैव टू एक्सप्लॉइट द कंट्री, उनको बस क्या देखना है, अपने फ़ायदे देखने थे, ठीक है. लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अपना फ़ायदा करने में कभी कभी दूसरे का भी फ़ायदा हो जाता है, गेटिंग. सो इन ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी किया दे डिड फॉर देयर ओन बेनिफिट, लेकिन उसकी वजह से कहीं कहीं पर इंडियंस को भी बेनिफिट मिल गया था. पहला, कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. ब्रिटिश रूल के पहले फार्मर्स सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब दे यूज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स जितना उनकी फैमिली के लिए रिक्वायर्ड होगा, उनके ईयरली नीड्स के लिए जितना प्रोडक्ट चाहिए होगा वो सिर्फ उतना ही प्रोड्यूस करते थे, वो उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करते थे. मतलब प्रोडक्टिविटी बहुत लो था, बट ड्यू टू ब्रिटिश रूल फार्मर्स ने क्रॉप्स को सेल करने के लिए, दैट इज़ मार्केट के लिए प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया एंड ड्यू टू दैट रीज़न प्रोडक्टिविटी हमारा इंक्रीज हुआ. लेट्स सी क्या दिया हुआ है पॉइंट में. फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल एक्सपोज द सब्सिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. ट्रू, बट इट ऑल्सो लेट a gradual change in the outlook of farmers. The farmers started considering market price of the product as an important determinant of their product decision. See, forcefully commercialize karana, ye sab ki wajah se negative points to the, lekin there was one positive thing ki ab farmers ne market ke bare mein soch kar product produce karna start kar diya tha. That means ab wo sirf ghar ke liye nahi, they were trying to produce for the market also. So, ये पहला positive point था. दूसरा, new opportunities of employment. अब ब्रिटिशर्स ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारी कंट्री में किया था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को न्यू जॉब्स मिले थे. स्प्रेड ऑफ रेलवे एंड रोडवे ओपनड अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि रोडवे रेलवे स्प्रेड करने के लिए दे नीडेड लेबर, लेबर चाहिए था उनको, तो बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिले, काम मिला, दे गॉट दी वर्क. तो वी कैन से कि एक और पॉजिटिव पॉइंट था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हमारी कंट्री में इंक्रीज हुई. कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, बिकॉज ऑफ रेलवे हमने पहले ही पढ़ा कि रेलवेज़ की वजह से इट वॉज नाउ ईजियर कि हम लोग जिस एरिया में फेमाइन हुआ है वहाँ पर टाइमली फूड ग्रेन्स पहुँचा कर उस फेमाइन को हम कंट्रोल कर सकते थे. Rapid means of transport facilitated rapid movement of food grains to the famine affected area. Accordingly, famines were controlled. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि ड्यू टू रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दैट इज रेलवेज एंड रोडवेज, अब इट वॉज ईजियर कि हम लोग फूड ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. तो जहाँ पर भी famine affected area होता था वहाँ पर transport करके goods पहुँचा दिए जाते थे, food grains पहुँचा दिए जाते थे and due to that reason famines को हम easily control कर पा रहे थे. मॉनिटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. नाउ हम लोग पहले क्या बार्टर एक्सचेंजेस करते थे, मनी वॉज नॉट यूज, बट आफ्टर ब्रिटिशर्स हमने मनी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था.
There was a transition from barter system of exchange to monetary system of exchange. Growth of monetary system of exchange facilitated division of labor, specialization and large scale production. क्या था कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले वी यूज टू यूज बार्टर सिस्टम, दैट इज गुड्स के बदले गुड्स हम एक्सचेंज करते थे, बट व्हेन दे केम आफ्टर दे केम हमने मॉनिटरी दैट इज मनी को यूज करके एक्सचेंजेस करना स्टार्ट किया. ड्यू टू मॉनिटरी एक्सचेंज लेबर डिवीजन इंक्रीज हुआ, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा. सो दिस वॉज अ पॉजिटिव पॉइंट. एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिशर्स से हमने क्या सीखा कि कैसे हम प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है. द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया लेफ्ट अ लिगेसी ऑफ एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. दिस सर्व्ड एज अ रेडी रेफरेंस फॉर द पॉलिटिशियन एंड द प्लानर्स. उनका जो वे ऑफ मैनेजमेंट था ब्रिटिशर्स का वो हमने सीखा एंड दैट रिजल्टेड इन टू पॉजिटिव थिंग्स. अब जो प्लानर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, उनके लिए इट वाज मच इजियर कि कैसे उनको कंट्री के रिलेटेड पॉलिसीज बनानी है. सो दिस वेर द पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. यहाँ पे हमने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया था कि इंडियन इकोनॉमी ब्रिटिश इंडिपेंडेंस के टाइम पर उसका कंडीशन क्या था. हमारा जो अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रिलेटेड टू द 5-year प्लानिंग्स. सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.